हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से पकोड़े, और इनको मैं सर्व करूंगी ग्रीन चटनी के साथ। इसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूंगी, वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है पहले से, और यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ ले लिए हैं और उनको पील कर लिया है। अब इस साइज़ से हम इसे ग्रेट करेंगे जिससे ये मोटे मोटे ग्रेट हो जाएं। बारीक वाले से मत करिए क्योंकि वो जब आप बेसन में ऐड करेंगे तो वो घुल से जाएंगे, और इस तरीके से जो पकौड़े बनाएंगे तो उसमें क्रंच बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैं सारे पोटैटोज़ को ग्रेट कर लूँगी। तो ये हो गए हैं ग्रेट। अब हम इन्हें जब तक वॉश करेंगे, जब तक ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो जाते, इसका स्टार्च निकल जाएगा तब तक। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। मैंने इन्हें एक बड़ी प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा साइज़ का अनियन, लंबे लंबे पीसेज में कट किया हुआ, हरी मिर्ची और बहुत साबुत धनिया। हरी मिर्ची आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, इकट्ठा ऐड नहीं करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच बेसन ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ी सी हींग भी डालिए। तो बेसन क्योंकि हैवी होता है तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और इसे अभी हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू का जो मॉइस्चर है या जो भी पानी रह गया है उससे ही ये काफ़ी हद तक बाइंड हो जाएगा। और बेसन हम इसमें अकॉर्डिंगली मिलाएंगे जितनी हमें नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन और ऐड करेंगे, और मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ 1 चम्मच पानी ऐड किया है ये पूरे मिक्सचर में, इस तरीके से। जब तक वो अच्छे से बाइंड होने लगेगा तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। और अभी इसमें थोड़ा सा बेसन और डालना है, तो यहाँ अभी मैंने 1 चम्मच बेसन और ऐड किया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाय के साथ एंजॉय करिए, ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करिए। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, और इसमें मैं 1 चम्मच ब्रेड क्रम्स भी डालूंगी। इससे टेस्ट, मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे ग्रीन चटनी फटाफट से। तो यहाँ मैंने डाला है 2 हरी मिर्च और 1 कप धनिया, अच्छे से वॉश करके, और 1 टमाटर। अगर आपके पास कच्चा सा टमाटर है तो वो यूज़ करिए, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और इसमें ऐड करेंगे 2 लहसुन की कली, 1/2 टेबलस्पून शुगर, 1/2 चम्मच नमक। आप इस तरीके से एक बार चटनी ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और 2 बड़े चम्मच बेसन भुजिया, उसे ग्राइंड कर लेंगे चटनी को। अब मैं यहाँ तेल में, मैंने तेल पहले से गर्म करने रखा था, अब हम इसमें पकौड़े फ्राई करेंगे जैसे हम नॉर्मली पकौड़े फ्राई करते हैं, लो मीडियम फ्लेम पर, जिसे ये अंदर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और इस तरीके से सभी पकौड़ों को हम इस तरीके से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। जो हमने ग्रेट करके पोटैटो डाला है ना, उससे इसका टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और आप शायद 4 की जगह और 2 एक्स्ट्रा खाएंगे। तो ये रेडी हो गए हैं पकोड़े, और इनको मैं सर्व करूँगी चटनी के साथ, जो मैंने चटनी की रेसिपी शेयर की है आपके साथ। सो होप यू ऑल आर एंजॉइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।